है, स्टोर हो जाता है। जब वो वॉल ओपन होती है तो यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन निकलता है, बॉडी के बाहर चला जाता है थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरिन पूरा एम्प्टी हो, यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है। फिर और जैसे धीरे 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 यूरिन बनते रहता है तो वॉल के वजह से वो यूरिनरी ब्लैडर में फिलअप होते रहता है, स्टोर होते रहता है। ओके, डाउट्स आर क्लियर और नॉट? हाँ, दोनों मेन वुमन के अंदर सेम एफिशिएंसी रहती है किडनी की, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। और आदित्य, आदित्य, आर्यन, एलरॉय, कृष्णा, मृगेंद्र, अक्षय, चंद्रशेखर, रितेश, यश, एनी डाउट्स अदर्स? टाइप फास्ट। नेम द वास्ट दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय किडनी। यूरिया, यूरिया रहता है वेस्ट ना, अपने बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिया रहता है। अक्षय, आप स्टार्टिंग में आपके मोबाइल फोन से ज्वाइन हो जाओ, प्रॉब्लम हो रहा है, आपके बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, वो राइटिंग में आपको प्रॉब्लम जाएगा। अनम्यूट भी कर सकते हो आप लोग। और ओके हो गया ना? ठीक, सर, पूछा पूछा और है क्या कुछ? पूछा सर, एक और क्वेश्चन। एक मिनट। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? हार्ट में से पर मिनट जो ब्लड निकलता है, बाहर निकलता है, या पर कार्डियक साइकिल, या एक हार्ट बीट में जो ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। टाइप करने में टाइम लग रहा है तो आप लोग बोल सकते हो जल्दी से, माइक चालू है आप लोगों के। ओके सर, हो गया।
नहीं, यूरिन रीएब्सॉर्ब नहीं हो जाती, यूरिन तो वेस्ट मटेरियल रहता है ना, हार्मफुल रहता है, तो उसमें जो यूरिया रहता है बहुत कम मात्रा में वो बॉडी में रीएब्सॉर्ब होता है, मगर मेजॉरिटी 99.9% वो बॉडी के अंदर से इलिमिनेट किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। हाँ, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज तो पूरे रीएब्सॉर्ब किए जाते हैं, उनको वेस्ट बोल के बॉडी में से बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि वो बॉडी को इसेंशियल है। अगर आप ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को बॉडी में से बाहर निकालेंगे तो ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी वाला ही मटेरियल अगर एक्सक्रीट होगा तो बॉडी का लॉस होगा ना, या अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, वो मटेरियल अगर अमीनो एसिड्स चले जाएंगे तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, प्रोटीन नहीं बनेंगे तो गुड हेल्थ नहीं रहेगी। What is capacity of a bladder? Maximum capacity उसकी 700 ml तक रहती है, और बहुत ही स्ट्रेच किया तो मैक्सिमम 1 liter तक रहती है, मगर 700 लीटर ही बहुत हो गया, सॉरी मीटर, मिली ml, ml ml लीटर, 700 ml बोले तो अप्रोक्सीमेटली 1 liter तक वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में स्टोर कर सकता है। Does urine affect the wall of a bladder? नहीं, उसका कुछ effect नहीं हो जाता है। Urine उसके wall को क्यों affect करेगा? Like there was HCl in stomach. नहीं, वैसा नहीं रहता। स्टमक के अंदर तो हाईली एसिडिक कंडीशन रहती है, यूरिन भी एसिडिक ही रहती है, मगर उसका कुछ ये नहीं रहता, इफेक्ट नहीं हो जाता उसके ऊपर। हो गया, और anybody? अच्छा, अब शुरू करें सर। अभी किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? ओके सर। Now listen, कल हमने excretory system तक complete किया था। Now today we are going to study about the reproductive system. Reproductive system के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। What is the meaning for a reproductive system? The process by which living organism produce the young ones of their own type. जो प्रोसेस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं,
उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। जैसे मैंगो ट्री से नया मैंगो प्लांट प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन प्रोड्यूस हो जाता है, शुगर केन प्लांट से शुगर केन प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस रहती है उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन बोला जाता है। अभी ये रिप्रोडक्शन के अंदर दो टाइप के मेथड्स आ जाते हैं, वन इज कॉल्ड एज असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरे वाले मेथड को क्या बोला जाता है, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसे बोला जाता है। तो फर्स्ट लिसन टू असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें जो पहली मेथड है उसको असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है। अब असेक्सुअल किसे बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज टेक्स प्लेस विदाउट फॉर्मेशन एंड यूनियन ऑफ सेक्स सेल्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्म नहीं हो जाते या उनका यूनियन नहीं हो जाता, यूनियन बोले तो फ्यूजन नहीं हो जाता, वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसे बोला जाता है। अब उसमें एक जो टाइप आती है दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। बडिंग बोले तो हाइड्रा के अंदर एक छोटा सा ऐसा बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ फॉर्म हो जाता है और वो वहां से डिटैच होके वहां से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाता है। फिर बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन अमीबा के अंदर हो जाता है, एक सेल के दो सेल्स बन जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन, जो अमीबा के अंदर हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन किसके अंदर हो जाता है, तो दैट इज इन केस ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया का जो पैरासाइट रहता है उसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन हो जाता है, मैंने तो एक बॉडी के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं और हर एक पीस से क्या बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जिसको मल्टीपल फ्यूजन ऐसे बोला जाता है। मलेरियल पैरासाइट एंड प्लाज्मोडियम उसका मेन साइट रहता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसमें मेल गैमेट रहता है और फीमेल गैमेट रहता है और जिसके फ्यूजन से रिप्रोडक्शन हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसे बोलते हैं। अब इसमें ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स रहते हैं उसमें पहले जो सिस्टम आती है दैट वन इज कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट रहता है ऑफ दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिस। टेस्टिस ह्यूमन बीइंग का मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहता है। तो ये जो टेस्टिस रहता है दैट इज अ पेयर ऑफ ग्लैंडुलर ओवल शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन स्क्रोटम। एक पेयर्ड ऑर्गन रहता है, ग्लैंडुलर रहता है, वो हार्मोन भी प्रोड्यूस करने का काम करता है, ओवल शेप्ड रहता है, उसका शेप ओवल रहता है एंड किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, तो दैट इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। उस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट रहता है। स्क्रोटम इज नथिंग बट अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर वो प्रेजेंट रहता है। और स्क्रोटम के अंदर क्यों एक्स्ट्रा अबडोमिनल पोजीशन में टेस्टिस रहते हैं, यानी अबडोमिनल कैविटी के वो बाहर रहते हैं। और वो क्यों बाहर रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द बॉडी टेम्परेचर। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर रहता है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। किससे कम रहता है, तो बॉडी टेम्परेचर से वो कम रहता है। और उसके अंदर टेस्टिस के अंदर जो एंडोक्राइन टिश्यू रहता है टेस्टिस का,
दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन नाम के एक हार्मोन को प्रोड्यूस करने का वो काम कर देता है। दैट टेस्टोस्टेरॉन इज नथिंग बट द मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स हार्मोन। उसको मेल सेक्स हार्मोन ऐसे बोला जाता है। मेल के अंदर जो कैरेक्टर प्रोड्यूस किए जाते हैं दैट इज ड्यू टू द टेस्टिस, वो टेस्टिस के वजह से प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। फिर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रहते हैं। दीज सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ टेस्टिस। वो टेस्टिस के स्ट्रक्चरल यूनिट्स रहते हैं या फंक्शनल यूनिट्स रहते हैं, वो टेस्टिस के थ्रू क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और क्या क्या पार्ट रहते हैं, तो देखो दिस इज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। उसके अंदर देखो ये जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोले तो टेस्टिस के जो यूनिट्स रहते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स रहते हैं, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स रहते हैं। वो सेल्स को क्या बोला जाता है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिक सेल्स बोला जाता है। जो स्पर्मेटोगोनिक सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस से क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करवाते हैं। और उसके अंदर जो सर्टोली सेल्स रहते हैं, दीज सर्टोली सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन इन द स्पर्म। वो स्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करवाते हैं। ठीक है, अब लेडीज सेल्स प्रेजेंट इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स रहते हैं, वो सेल्स को लेडिक सेल्स बोला जाता है। एंड दीज लेडिक सेल्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन रहता है, वो टेस्टोस्टेरॉन नाम के हार्मोन को वो प्रोड्यूस करने का काम करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है, दैट वन इज कॉल्ड एज अ वैस डिफरेंस। उसको वैस डिफरेंस बोलते हैं। तो वैस डिफरेंस इज अ टर्म यूज्ड फॉर डक्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू इजैक्युलेटरी डक्ट। देखो इधर ये टेस्टिस ये साइड में रहते हैं, ये टेस्टिस में से एक ट्यूब निकलती है, ऐसी एक ट्यूब निकलती है और ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है। ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है, दैट ट्यूब इज नथिंग बट द वैस डिफरेंस। वो ट्यूब को वैस डिफरेंस से बोला जाता है। एंड दिस वैस डिफरेंस इज अ टर्म, ऐसा टर्म रहता है कि दैट इज यूज्ड फॉर डक्ट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस बोले तो यहाँ का हिस्सा, यहाँ से वो ट्यूब अराइज हो जाती है और ऐसे ऊपर करते 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 वो इधर आ जाती है, इजैक्युलेटरी डक्ट के तरफ आ जाती है। उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वैस डिफरेंस। उसको वैस डिफरेंस से बोला जाता है। अभी वैस डिफरेंस क्या कर देता है, दिस वैस डिफरेंस स्टोर स्पर्मेटोजोआ टेम्पररीली। वो टेम्पररीली स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करवाता है एंड ट्रांसपोर्ट देम ड्यूरिंग इजैक्युलेशन। और इजैक्युलेशन के प्रोसेस के समय उसको क्या करवाता है, वो ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वैस डिफरेंस इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी। वैस डिफरेंस को रिमूव करने की जो प्रोसेस रहती है, वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, ये वैसेक्टोमी कौन से प्रोसेस के अंदर रिमूव कर देते हैं, जब ह्यूमन बीइंग के अंदर स्टरिलिटी कॉज करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का एक सर्जिकल मेथड रहता है जिसके अंदर वैसेक्टोमी के अंदर वैसेक्टोमी के अंदर
इसको रिमूव किया जाता है, वैस डिफरेंसिया को रिमूव किया जाता है और उससे बर्थ कंट्रोल चेक करने के लिए वो प्रोसीजर सर्जरी की जाती है उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी। द नेक्स्ट इज द यूरेथ्रा, उसके बाद में नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा आता है, इट इज अ थिक वॉल्ड मस्कुलर डक्ट। इट इज अभी यूरेथ्रा ये लास्ट वाला जो देखो पोर्शन ये पेनिस के अंदर जो दिखाई दे रहा है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, ये इसको यूरेथ्रा, ये ट्यूब ऐसे आके आगे कंटिन्यू हो जाती है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। दिस यूरेथ्रा इज अ थिक वॉल्ड मस्कुलर डक्ट एंड इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सेमेन। यूरिन के लिए और सेमेन के लिए कॉमन पैसेज रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटियल डक्ट, उसको यूरिनोजेनिटियल डक्ट ऐसे बोलते हैं, एंड इट ट्रांसवर्स एंड ओपन एट द टिप ऑफ पेनिस। वो ट्रांसवर्स होके कहाँ पर ओपन हो जाता है, एट द टिप ऑफ पेनिस ओपन हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, उसको यूरेथ्रा ऐसे बोलते हैं। देन नेक्स्ट, पेनिस इज द नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी जो पेनिस रहता है दैट इज द इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन बोले तो ये मेल बॉडी में से फीमेल बॉडी में इंसर्ट किया जाता है उसको पेनिस बोला जाता है, एंड इट हेल्प्स इन डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटियल ट्रैक। स्पर्म्स को फीमेल जेनिटियल ट्रैक के अंदर डिपॉजिट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पेनिस। द नेक्स्ट आर द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स किसे बोला जाता है, दोज ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको बोलते हैं एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स ऐसे बोला जाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट देयर, उसमें जो फर्स्ट आते हैं द फर्स्ट आर कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल। पहले टाइप के ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है, सेमिनल वेसिकल बोला जाता है। दिस सेमिनल वेसिकल आर सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये सेमिनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पिछले साइड में क्या किए जाते हैं, ओपन किए जाते हैं, एंड अबाउट 70% ऑफ सेमेन इन अ सेमिनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसिकल। 70% जो सेमेन रहता है वो सेमिनल वेसिकल के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। अब इस सेमिनल वेसिक फ्लूइड जो रहता है दैट कंटेन्स फ्रुक्टोज, उसके अंदर फ्रुक्टोज रहता है, या एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म्स, या एनर्जी सोर्स रहता है, कै के लिए सोर्स रहता है, तो स्पर्म्स के लिए एनर्जी सोर्स रहता है, फिर उसके अंदर सिट्रेट रहता है, इनिसिटॉल रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल रहता है, और बहुत सारे प्रोटीन्स भी उसके अंदर प्रेजेंट पाए जाते हैं। उसके कंपोनेंट है सेमेन के, ये कंपोनेंट है। अब ये जो सेमेन रहता है द प्रोडक्ट ऑफ टेस्टिस दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ एंड प्रोस्टेट ग्लैंड अलोंग विद द फ्लूइड फॉर्म द सेमिनल वेसिकल कलेक्टिवली नोन एज सेमेन। ये पूरा टेस्टिस के स्पर्मेटोजोआ फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोडक्ट किसके साथ में अलोंग द सेमिनल वेसिकल के साथ में कलेक्टिवली सबको क्या बोला जाता है, सेमेन ऐसे बोला जाता है। एंड सेमेन फ्लूइड हैज पीएच अबाउट 7.4, वो अल्कलाइन रहता है इसीलिए उसका जो पीएच रहता है वो 7.4 रहता है, ठीक है। अब सेमिनल वेसिकल के बाद में जो नेक्स्ट ग्लैंड आती है द नेम ऑफ नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज
प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहती है, दैट प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिचुएटेड अराउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो पहला पोर्शन रहता है वो यूरेथ्रा के पहले पोर्शन के अंदर ये प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है। एंड दिस प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट थीन मिल्की फ्लूइड दैट कंटेन्स कैल्शियम सिट्रेट आयन फॉस्फेट आयन्स क्लॉटिंग एंजाइम एंड अ प्रो फाइब्रिनोलाइसिन इज कॉल्ड एज अ सेमेन। इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का वो सेमेन रहता है क्योंकि 70% सेमेन सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस कर देती है और बाकी का जो रिमेनिंग बचा हुआ सेमेन रहता है वो कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस कर देती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करवाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड रहती कहाँ पर है, जहाँ यूरेथ्रा का बेस रहता है उसके अराउंड वो ग्लैंड प्रेजेंट रहती है कि जिसके अंदर कैल्शियम रहता है, सिट्रेट आयन रहता है, फॉस्फेट आयन रहता है, क्लॉटिंग एंजाइम रहता है एंड प्रोफाइब्रिनोलाइसिन नाम का केमिकल रहता है। तो ये मिला के क्या कर देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को बनाते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टास्टाइटिस बोलते हैं, इन विच यूरिनेशन इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, जिसके अंदर यूरिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है या इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसको बोला जाता है दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड, वो ग्लैंड को प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे बोला जाता है। फिर लास्ट में एक ग्लैंड आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड, ये कॉपर वाली सबसे लास्ट वाली ग्लैंड रहती है। इट इज ऑल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यही ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के अंदर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऐसे बोला जाता है। एंड इट इज फाउंड इन द मेल मैमल्स, ये सभी मेल मैमल्स के अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। The secretion of copper gland act as a lubricant for glans penis. और copper gland का जो secretion रहता है वो lubricant बोल के act हो जाता है while the process of copulation, जब male और female intercourse होते रहता है तो उसके वजह से ये lubricant produce होते रहता है। And it also neutralizes any urine in urethra. और यूरेथ्रा के अंदर जो यूरिन आता है उसको, क्योंकि यूरिन का नेचर एसिडिक रहता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का वो काम करवाता है। ऐसे ग्लैंड को क्या बोला जाता है, दिस टाइप ऑफ ग्लैंड।